नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज रीजनिंग में ब्लड रिलेशन का पार्ट थर्ड लेके आया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे शो होने लगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कहता है ए बी के ससुर है जो सी की माँ है, डी ई की माँ है जो एफ और सी का पिता है, ए इसे कैसे संबंधित है। ये दोस्तों क्वेश्चन UP SSC 2018 में आ चुका है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि यदि तीन कैंडिडेट्स का रिलेशन जो के साथ कनेक्ट हो यानी जो वर्ड के साथ कनेक्ट हो तब दोस्तों इसे कैसे क्लियर किया जाता है, उसके बाद दोस्तों हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर हम मान लें कि ए बी का पिता है जो सी की माँ है, ऐसे रिलेशन को दोस्तों कैसे क्लियर किया जाता है। दोस्तों आपको बता दें तीन कैंडिडेट हैं, दोस्तों हमेशा तीसरे कैंडिडेट का रिलेशन जो से जस्ट पहले वाले के साथ कनेक्ट किया जाएगा। दोस्तों यानी तीसरे कैंडिडेट का रिलेशन दोस्तों हमेशा जो के जस्ट पहले वाले के साथ कनेक्ट किया जाएगा। दोस्तों जो से जस्ट पहले क्या है, बी याद रखना। तीसरे कैंडिडेट का रिलेशन दोस्तों हमेशा जो के जस्ट पहले वाले के साथ कनेक्ट किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक बात और आपको बता दूँ कि यदि पीढ़ियों में असमानता हो तो हमेशा रिलेशंस को दोस्तों वर्टिकल फॉर्म यानी ऊर्ध्वाधर रूप में लिखा जाएगा और उस कैंडिडेट को ऊपर लिखा जाएगा एरो के जो दोस्तों रिलेशन में बड़ा हो। दोस्तों क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट आ गया था ए बी के ससुर हैं जो सी की माँ है। दोस्तों फिर दोस्तों पैसा दोस्तों स्टेटमेंट आ गया जैसा हमने बताया था ए बी के ससुर हैं, यानी दोस्तों क्या लिखा है ए बी के ससुर हैं जो सी की माँ है। दोस्तों ये लिखा है क्वेश्चन में, जरा ध्यान से समझना। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो सी का रिलेशन दोस्तों किसके साथ कनेक्ट किया जाएगा, बी के साथ, याद रखना। दोस्तों ए बी के ससुर है, दोस्तों ए कौन है, दोस्तों बी का ससुर है दोस्तों, यानी रिलेशन में दोस्तों ये बड़ा है तो यानी दोस्तों ये एरो के ऊपर लिखा जाएगा। किसका ससुर है दोस्तों, बी का। जेंडर दोस्तों इसका क्लियर है क्योंकि मेल है। ए बी के ससुर है जो सी की माँ है दोस्तों, सी की माँ दोस्तों कौन है, बी, बता चुके हैं। तीसरा है कैंडिडेट सी की माँ दोस्तों कौन है, बी। अब दोस्तों माँ बड़ी है रिलेशन में तो ऊपर लिखी जाएगी। अब दोस्तों ये सी की क्या है, माँ। दोस्तों यहाँ पर फीमेल है, हमने फीमेल को माइनस से शो किया। उसके बाद दोस्तों अगला स्टेटमेंट है, कहता है डी ई की माँ है जो एफ और सी का पिता है। दोस्तों आपको लिख कर बता दूँ डी ई की माँ है जो एफ व सी का क्या पिता है, यानी दोस्तों फिर वही चीज़ आ गई यहाँ पर डी की माँ है जो एफ और सी का पिता है। दोस्तों यानी एफ और सी का रिलेशन किसके साथ दोस्तों जोड़ा जाएगा, ई के साथ, यानी दोस्तों एफ और सी का पिता कौन है, ई। ध्यान से देना दोस्तों एफ और सी का पिता दोस्तों कौन है, ई। यानी दोस्तों एफ का पिता कौन है, ई। ई दोस्तों क्या है, एफ का पिता है। जेंडर दोस्तों इसका क्लियर है। अगर दोस्तों ई एफ का पिता है, कहता है एफ और सी का पिता है, दोस्तों इसका मतलब एफ का पिता है तो सी का भी पिता है, है ना दोस्तों। अब एक चीज़ देखना दोस्तों फिर, हाँ कहता है डी की माँ है। दोस्तों जो डी है वो किसकी माँ है, ई की माँ है दोस्तों, किसकी, ई की। अब एक चीज़ देखना दोस्तों, कहते से करा दोस्तों बी की, बी का बच्चा चाहे वो पुत्र हो या दोस्तों पुत्री हो, यहाँ पर कोई जेंडर क्लियर नहीं है दोस्तों। बी का दोस्तों बच्चा सी है और सी का पिता दोस्तों ई है, तो आपस में ये कौन हुए दोस्तों, पति पत्नी, पत्नी और दोस्तों पति, पत्नी पति हो गए दोस्तों। उसके बाद आपको बता दें यहाँ पर दोस्तों डी, इस डी का दोस्तों लड़का, ये दोस्तों ई की माँ है, यानी दोस्तों डी का लड़का क्या है, ई। डी का लड़का दोस्तों क्या है, ई है। और ई की पत्नी क्या है दोस्तों, बी है, है ना दोस्तों। दोस्तों अब इसका मतलब जो बी है दोस्तों ये डी की कौन हुई, लड़के की पत्नी, यानी दोस्तों डी बी की, सॉरी दोस्तों डी जो है दोस्तों बी की कौन हुई, सास। कौन है दोस्तों, सास। डी दोस्तों बी की सास हुई। उस हिसाब से अगर हम दोस्त देखें दोस्तों कि ये आपस में कौन हो गए दोस्तों, पति पत्नी हो गए, पति पत्नी हो गए दोस्तों ये आपस में। अब दोस्तों एक चीज़ देखना, डी का लड़का ई और डी का पति ए, डी का लड़का ई डी का पति ए, इसका मतलब दोस्तों ए जो है वो ई का कौन हुआ, पिता। ए दोस्तों ई का कौन हुआ, पिता। ए दोस्तों जो ए है
दोस्तों ई का कौन होगा, पिता होगा, ए ई का पिता होगा दोस्तों। तो ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों कहता है कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है और सोनम सी कमल की बेटी है। यदि राजा राम सुमन के ससुर और सुरेखा के पति हैं जो उनके एकमात्र बच्चे कमल की माँ है, तो कोमल सोनम से कैसे संबंधित है? जरा ध्यान से समझना दोस्तों। कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है, यानी दोस्तों सुमन रिलेशन में बड़ी है और कोमल दोस्तों बेटी है किसकी, सुमन की। ये दोस्तों बेटी है कोमल सुमन की, इस वजह से दोस्तों हमने सुमन को ऊपर लिखा, कोमल को नीचे। फिर दोस्तों कहता है और सोनम श्री कमल की बेटी है। आगे दोस्तों पढ़ते हैं, यहाँ पर भी छोड़ रहे हैं। फिर दोस्तों कहता है यदि राजा राम सुमन के ससुर, दोस्तों राजा राम जो हैं सुमन के ससुर हैं दोस्तों, ये रिलेशन में पड़े हैं, राजा राम ससुर हैं, ऊपर लिखे जाएंगे सुमन के दोस्तों कौन है, ये ससुर। फिर कहता है राजा राम सुमन के ससुर हैं, ससुर और सुरेखा के पति हैं, पति दोस्तों किसके हैं, पति दोस्तों ये किसके हैं, सुरेखा के, सुरेखा के दोस्तों क्या है, पति हैं। फिर कहता है जो उनके एकमात्र बच्चे कमल की माँ है, कौन दोस्तों माँ है, सुरेखा, सुरेखा दोस्तों माँ है किसकी, एकमात्र बच्चे कमल की माँ है दोस्तों, सुरेखा माँ है किसकी, कमल की, कमल की माँ है दोस्तों। अब कमल की माँ है दोस्तों किसके, राजा राम, राजा राम का दोस्तों ये बच्चा है कमल, यानी दोस्तों राजा राम इसके क्या हुए, पिता, क्या दोस्तों, पिता। अब दोस्तों अगर राजा राम कमल के पिता हैं और सुमन राजा राम की बहू है, बहू है यानी दोस्तों लड़के की पत्नी है, इसको इसका मतलब दोस्तों ये आपस में कौन हुए, पति पत्नी, पति पत्नी आपस में दोस्तों ये हो गए। अब क्या कहता है जो उनके का नाम, हाँ दोस्तों कहता है सोनम श्री कमल की बेटी है, सोनम दोस्तों है जो स्टार्टिंग में दोस्तों जा रहा है ऊपर में, सोनम दोस्तों किसकी बेटी है, कमल की, सोनम बेटी है दोस्तों किसकी, कमल की। अब दोस्तों एक चीज़ देखना कि कमल की पत्नी सुमन और सुमन की बेटी कोमल और कमल की बेटी सोनम, इन दोस्तों क्या हुआ कि कोमल दोस्तों जो है कोमल के पिता कमल है ना दोस्तों, और सोनम की दोस्तों माँ सुमन है, इसका मतलब दोस्तों ये आपस में कौन हुए दोनों, कोमल सोनम दोस्तों ये बहन हुए, आपस में कौन हुई दोस्तों, बहन। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कहता है कि ए बी की पत्नी है, डी ए का भाई है, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, जो डी की पत्नी है बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है? जरा ध्यान से समझना दोस्तों, ए बी की पत्नी है दोस्तों, ए जो है दोस्तों पत्नी है किसकी, बी की पत्नी है दोस्तों बी की। अब दोस्तों कहता है डी ए का भाई है दोस्तों, डी जो है दोस्तों क्या है, भाई है किसका दोस्तों, ए का। फिर दोस्तों कहता है पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, जो डी की पत्नी है, यानी दोस्तों जो के बाद डी है तो डी का रिलेशन दस से दोस्तों जो के बाद जो का नाम अक्षर है उसके साथ क्लियर किया जाएगा दोस्तों, इसका मतलब डी का रिलेशन दोस्तों ई के साथ क्लियर किया जाएगा, यानी पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं और जो डी की पत्नी है, यानी दोस्तों डी की पत्नी कौन हुई, ई, डी की दोस्तों पत्नी कौन हुई, ई, ये दोस्तों डी की पत्नी हो गई और ई के दोस्तों बच्चे हैं, एक बच्चा क्यू है दोस्तों, दूसरा बच्चा पी, पी, ये दोस्तों एक बच्चा क्यू, दूसरा बच्चा दोस्तों क्या है, पी है, सॉरी ये क्यू है पी। अब दोस्तों इस टाइप के रिलेशन को हम आपसे ही लेकर चलते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके एक बड़े भाई हो और तब आपकी पत्नी आपके बड़े भाई को क्या कहेगी, बताओ, तब आपकी पत्नी आपके बड़े भाई को भाई कहेगी ना, तो उस हिसाब से अगर दोस्तों देखें तो यहाँ पर आंसर क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अगर ये आप समझो
और ये आपकी पत्नी है, और कहता है ये पत्नी का भाई है। दोस्तों अगर ये पत्नी का भाई समझो, इसका मतलब आपका भाई है ना दोस्तों। और ये वाले दोस्तों आपके भाई की पत्नी है, दोस्तों ये आपका भाई है, आपका भाई है तो आपकी पत्नी का भी भाई होगा, आपका भाई है दोस्तों आपकी पत्नी का भी भाई होगा। और ये दोस्तों भाई की पत्नी है दोस्तों, ये आपकी कौन होगी? भाभी होगी। ये वाले दोस्तों आपकी कौन होगी? भाभी होगी। अब दोस्तों ये भाई आपके, ये भाभी आपकी, इन दोनों के दोस्तों जो बच्चे होंगे ना, वो आपके मतलब दोस्तों भतीजे होंगे या भतीजी दोस्तों, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। इसका मतलब आप इनके कौन होंगे? अंकल यानी चाचा। आप इनके दोस्तों कौन होंगे? अंकल होंगे। दोस्तों ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अब दोस्तों यही क्वेश्चन को हम अगर दूसरे टाइप से देखूं, वो तो दोस्तों एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या सोच रखता है और किस रिलेशन को सोच के चलता है दोस्तों, और हमें उसकी ही सोच पर ध्यान देना है। लेकिन फिलहाल में दोस्तों यहाँ पर एक दूसरा भी आंसर बन सकता है, जरा ध्यान से सुनना दोस्तों। यहाँ पर आंसर फूफा भी आ सकता है, अगर ऑप्शन में अगर फूफा लिखे हो और चाचा ना लिखा हो दोस्तों, फूफा भी क्लियर हो सकता है। जरा ध्यान से समझना दोस्तों, कैसे फूफा दोस्तों ऐसे क्लियर हो जाएगा, जैसे यहाँ पर लिखा है कि बी की पत्नी ए और ए का भाई डी, बी की पत्नी ए का भाई डी, यानी दोस्तों ए आपकी बी जो है दोस्तों, मतलब ये दोस्तों अगर आप हैं और आपकी ए दोस्तों पत्नी है और ये पत्नी का भाई है, इसका मतलब दोस्तों ये जो भाई है पत्नी का, वो आपका कौन हुआ? साला हुआ, हुआ नहीं हुआ। और ये साले की पत्नी है, तो साले की पत्नी आपकी कौन हुई? सराज हुई। और ये साले और सराज के इन दोनों लोगों की दोस्तों बच्चा है, बच्चा जो है वो दोस्तों आपको क्या कहेंगे? फूफा कहेंगे। बच्चों के आप दोस्तों कौन होंगे? फूफा होंगे। इस हिसाब से दोस्तों इसका आंसर फूफा भी बन सकता है, अगर अंकल ना दिया हो ऑप्शन में तो फूफा पर भी आप क्लिक कर सकते हैं अगर दिया हो तो। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि यस बी का इकलौता पुत्र है, बी आर से विवाहित है, एम आर की पुत्री है, आर ए की दादी है, यस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है? एस बी आई पी ओ 2017 में आ चुका है दोस्तों, जरा ध्यान से देना। यस बी का इकलौता पुत्र है दोस्तों, जो यस है दोस्तों बी का इकलौता पुत्र है, इसका मतलब दोस्तों बी ऊपर रहेगा और यस दोस्तों नीचे रहेगा। यस बी का इकलौता पुत्र है दोस्तों, कौन पुत्र है दोस्तों? यस है पुत्र है दोस्तों। अब क्या कहता है जरा ध्यान से सुनना दोस्तों, बी आर से विवाहित है, यानी दोस्तों बी की शादी किससे हुई? आर से। ये दोस्तों विवाहित हो गए दोनों, पति पत्नी हो गए भाई, दोनों पति पत्नी हो गए, बी आर से विवाहित है। एम आर की पुत्री है, एम जो है वो आर की पुत्री दोस्तों, रिलेशन में छोटी है, एक पीढ़ी नीचे आएगी दोस्तों। एम आर की पुत्री है, ये भाई पुत्री हो गई आर की। फिर दोस्तों कहता है कि आर ए की दादी है, आर ए की दादी है, आर जो है वो दोस्तों दादी है किसकी? ए की। अब फिर दोस्तों उसने एक बात और कही है कि यस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों? आर ए की दादी है। अब एक चीज दोस्तों बहुत ध्यान से समझना, दिमाग लगाना यहाँ पर, कि आर ए की दादी है दोस्तों, यानी ये तो दोस्तों फीमेल है, ये मेल है। अब दोस्तों आर ए की दादी है, अब दादी दोस्तों तभी बनेगी, बी का पुत्र यस है नहीं दोस्तों, बी का पुत्र क्या है? यस है दोस्तों। अगर बी का पुत्र यस है तो दोस्तों आर का भी पुत्र यस होगा, होगा नहीं होगा दोस्तों? आर का भी पुत्र क्या होगा? यस। अब भाई दोस्तों अगर यस अपनी आर का पुत्र यस है, और यानी यस की माँ आर है, अगर दोस्तों यस अपनी माँ को दादी बनाना चाहें, तो दादी दोस्तों यस तभी बनाएगा जब वो एक बच्चा पैदा करे, क्या करे दोस्तों? एक बच्चा पैदा करे। तो दोस्तों अगर यस एक बच्चा पैदा करता है ए, अब दोस्तों यस की माँ क्या है? आर। यस की माँ आर, और यस के बेटे की जो माँ, यस का बेटा क्या है? ए। और यस की माँ क्या है दोस्तों? आर। तो यस के बेटे की जो माँ आर है वो दोस्तों कौन हो जाएगी? दादी हो जाएगी। ऐसी बात है दोस्तों, ये दादी हो जाएगी दोस्तों। दादी तभी बनेगी जब दोस्तों यस एक बेटा पैदा करे, है ना। इसका मतलब क्वेश्चन ये कहता है कि यस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है, इसका मतलब यस जो है वो ए का कौन हुआ? पिता हुआ।
पिता होगा तभी दोस्तों भाई ये दादी बन पाएंगे। यानी दोस्तों राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि बी डब्ल्यू से विवाहित है, आर डब्ल्यू की इकलौती बहन है, ए आर की माँ है, ए के तीन बच्चे हैं, जी आर और पी की भतीजी या भांजी है, बी का कोई भाई बहन नहीं है, आर अविवाहित है, तो पी बी से किस प्रकार संबंधित है। यार ध्यान से समझना दोस्तों, बी डब्ल्यू से विवाहित है दोस्तों, यानी बी की शादी दोस्तों किससे हुई, डब्ल्यू से। बी की शादी दोस्तों किससे हुई, डब्ल्यू से दोस्तों, सेम पीढ़ी की रिलेशन है दोस्तों ये दोस्तों विवाहित पति और पत्नी माने दोस्तों होंगे। उसके बाद दोस्तों कहता है कि आर डब्ल्यू की इकलौती बहन है, आर डब्ल्यू की इकलौती बहन सेम पीढ़ी में दोस्तों, ये बहन हो गई डब्ल्यू की इकलौती, एक ही बहन है दोस्तों इसके, आर डब्ल्यू की इकलौती बहन है, ए आर की माँ है, ए जो है दोस्तों वो आर की भैया माँ है, तो माँ दोस्तों ऊपर जाएगी रिलेशन में, ऊपर नहीं दोस्तों जाएगी मतलब ऊपर लिखी जाएगी, आर ए की माँ है दोस्तों, सॉरी ए आर की माँ है, ये दोस्तों कौन हो गई, माँ हो गई, कौन दोस्तों, ए। ए के तीन बच्चे हैं, चलो भाई ठीक, जी आर और पी की भतीजी या भांजी है, जी जो है दोस्तों आर और पी की भतीजी या भांजी है, जी है दोस्तों किसकी भांजी है दोस्तों, नीचे जाएगी दोस्तों जी है भतीजी, भतीजी या भांजी किसकी दोस्तों है, आर और पी की, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर जो पी है दोस्तों भाई होगा आर का, तभी तो दोस्तों आर की भतीजी भांजी हो गई दोस्तों पी की, और कहता है तो पी को दोस्तों भाई बनाना पड़ेगा आर का, तभी तो पी की भतीजी भांजी होगी दोस्तों, है ना दोस्तों। अब यानी दोस्तों पी की भी ये कौन हो गई, भतीजी या भांजी, भतीजी या भांजी, जब हमने दोस्तों इसको जब भाई बनाया तो ये भतीजी या भांजी दोस्तों, आर की भी, आर की तो थी दोस्तों, अब पी की भी हो गई, क्वेश्चन कहता है इसके हिसाब से। अब दोस्तों कहता है कि बी का कोई भाई बहन नहीं, चलो भाई कोई बात नहीं, आर अविवाहित है, आर की भाई शादी नहीं है, यार ने अपनी शादी नहीं ही की, शादी कही ही नहीं, तो पी बी से किस प्रकार संबंधित, जरा ध्यान से समझना दोस्तों, इनका रिलेशन पूछा जा रहा है दोस्तों इनका। अब दोस्तों एक चीज़ देखना, बी का पति डब्लू, डब्लू की बहन आर, आर का भाई पी, अगर दोस्तों आर का भाई पी तो डब्लू का भी भाई पी, यानी दोस्तों ये डब्लू आर पी ये तीनों आपस में भाई बहन हैं, इसका मतलब दोस्तों है ये डब्लू की पत्नी है, तो पत्नी की दोस्तों ये जो पत्नी का, पत्नी के पिता का, ये दोस्तों पत्नी है, ये दोस्तों पत्नी का पति, यानी दोस्तों पत्नी के पति का जो भाई हुआ वो कौन हुआ, एक तरीका से ब्रदर इन लॉ, दोस्तों ये जो पी है दोस्तों ये बी का कौन होगा, ब्रदर इन लॉ, इसे दोस्तों जेठ भी कह सकते हैं या देवर भी कह सकते हैं दोस्तों, ब्रदर इन लॉ, इन लॉ कि दोस्तों ये क्या है, ये पत्नी है, पत्नी का पति है, और पति का भाई दोस्तों कौन हुआ, ब्रदर इन लॉ, तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।